बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाब सदर, मुआज़्ज़ज़ हाज़िरीन और मेरे अजीज तालिब इल्म साथियों, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात पैदा किया, उसे जमीन पर उतारकर अपनी खिलाफत पर ताज पहनाया, जमीन और आसमान के हजारे उसकी लिए कुवल दिए, बेरोबर हवा और हवा फिजा उसके सामने मुशाहर कर दिया, उसकी आंख के एक झुमस से दुनिया भर की आसाइशें उसके सामने डर हो जाती है। क्या परिंदे, क्या दरिंदे और क्या चरिंदे, सब के सब उसके गुलामी पर मामूर है। बाहर इसकी हिम्मत चलाई और सितारे इसका दर्द दे सब रहे हैं। कहना की हर चीज इम्नियात की से उस असाद और मकाम से उजदा है। उरुजे आलम हाकी से अंजम से में जाते हैं, उरुजे आलम हाकी से अंजम से में जाते हैं कि ये टूटा हुआ दारा में है कामिल न बन जाए। जनाब सदर, इंसान तो है जिसे अल्लाह ताला ने इल्म की दौलत से नवाजा है, इसे अकल और शुऊर से मालामाल किया और फिर उसे अपना बयान और कलाम अता किया, फिर वो शर की तमीज कराई, अच्छा और बुराई का सलीका अता किया, तीसरी मतलब से अशना किया और अलग तरीन मकाम अता किया। लेकिन हाजरीन, क्या इंसान इस काबिल है कि उसे आलमत से पर फर्ज किया जा सके? क्या हर इंसान खुदा की नियामत और इलामत का घर है? क्या गावी जो अल्लाह के निशान से बात करता है? क्या जालिम जो खुदा के बंदों पर जुल्म करता है? क्या जाहिल जो हर तरह का तेल में कहता है भी फरिश्तों से बेहतर है? नहीं जनाब सदर, नहीं, मैं उसे कभी भी फरिश्तों से बेहतर नहीं समझ सकता, जो फिरौन नमरूद और कारून बना देते हैं, जो चंगेज बनकर मासूमों के गले काटता है, इंसानी सरों के महल बनाता है। हाँ, वो भी इंसानी है जिनके हाथ मासूमों के खून से रंग हुए हैं, जिनके हाथों माओ बेटों की इज्जत तराज हो रही है, जिन सारी आबादी को रात के डेर में तब्दील कर देते हैं, जो इंसान शाम बनकर अगली ही नस्ल को डस रहे हैं, मुकैद कर दिया सांपों को ये कहकर सपेरों ने, मुकैद कर दिया सांपों को ये कहकर सपेरों ने कि इंसानों को इंसानों से डसवाने का मौसम है। जनाब सदर, इंसान यकीनन फरिश्ते से बेहतर है, लेकिन इसके लिए अपनी वर्षात कबूल करना पड़ता है, अपनी मर्जी छोड़कर अल्लाह की रजा पर चलना पड़ता है, अल्लाह के बर्दुशी का बयान कर आदम मूसा